दोस्तों आप लोग ये जानते होंगे कि जो दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है यूट्यूब पर टी सीरीज है, ठीक है, वो अपने इंडिया का चैनल है। अब वो किस कैटेगरी का है? वो गाने का चैनल है, यानी इंटरटेनमेंट सॉन्ग का चैनल है। और उस पर सब्सक्राइबर की बात करें तो भाई 215 मिलियन सब्सक्राइबर उस चैनल पर हैं, ठीक है। अब मैं इसको आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई ये सॉन्ग का चैनल है और इस सॉन्ग का यूज़ करके लोग यहाँ से लाखों करोड़ों रुपये आराम से कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं? जो सॉन्ग अपलोड होते हैं उसको री अपलोड करके अपने चैनल पर, वहाँ से चैनल को मोनेटाइज करा के आराम से लाखों रुपए मंथली कमा रहे घर बैठे हुए। तो आज मैं आपको इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि आप जो है सॉन्ग को री अपलोड करके उसे आप पैसा कमा सकते हैं। आपको कैसे सॉन्ग डाउनलोड करना है, कैसे एडिट करना है, कैसे हर एक चीज़ करना है जिससे आपको कोई कॉपीराइट का पंगा ना हो और आपका चैनल सक्सेसफुल मोनेटाइज हो जाए और आप वहाँ से जो है आराम से पैसा कमा कर अपने बैंक में ले सकते हैं। तो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताने वाला हूँ, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा जो है ध्यान से देखिएगा, और अगर आप करना चाहते हैं, नहीं तो कोई बात ही नहीं ना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो भाई तुरंत सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक करो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। मैं आपको दिखाता हूँ कि लोग किस टाइप का काम इस पर कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से कर रहे हैं और कौन कौन से सॉन्ग इस पर अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक प्रूफ भी दिखा दूंगा और आपको मोटा मोटा समझ में आ जाएगा कि आपको किस टाइप पे काम करना है। तो सबसे पहले मैं सर्च पे गया और सर्च कर दिया ओल्ड सॉन्ग। आपको कोशिश यह करना है कि आप जो सॉन्ग अपलोड करेंगे वो ओल्ड सॉन्ग होना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ अभी, अब देखते रहो। देखो एक वीडियो मेरे सामने आया, एवरग्रीन गाने हैं, ठीक है, 5 महीने बंदे ने अपलोड किया, व्यूज़ देखो 17 मिलियन व्यूज़। वीडियो कितने मिनट का है? 1 घंटा 14 मिनट का वीडियो है, ठीक है, उसके नीचे देखना। अब मैं नीचे आता दिखाता हूँ, देखो हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग 7 महीने पहले अपलोड किया गया है, 31 मिलियन व्यूज़ आया हुआ है, आधे घंटे के करीबन ये वीडियो है। फिर देखो 4 महीने पहले अपलोड किया, 4 मिलियन व्यूज़, 1 घंटे का वीडियो है। आप देखो यहाँ से देखो सारे जो है ओल्ड सॉन्ग है, ठीक है, ये भी ओल्ड सॉन्ग है, इसके नीचे और अभी देखो ओल्ड सॉन्ग है, ठीक है, सारे ओल्ड सॉन्ग आपको दिखेगा। अब ऐसा क्यों? अब मैं बताता हूँ, देखो जो ओल्ड सॉन्ग होते हैं ना वो एवर ग्रीन सॉन्ग होते हैं, मतलब वो लाइफ टाइम तक चलते रहते हैं। और वहीं पर अगर आप बॉलीवुड का जो लेटेस्ट सॉन्ग, यानी जो ट्रेंडिंग में चलता है इंस्टाग्राम रील्स पर जो ट्रेंडिंग सॉन्ग चलता है, अगर आप उसे अपलोड करोगे तो आपका व्यूज़ तो आ जाएगा, लेकिन वहाँ पर जो व्यूज़ रुक जाएगा, क्योंकि जब तक भाई ट्रेंड रहेगा तब तक उस पर व्यूज़ आने वाला है, उसके बाद व्यूज़ रुक जाएगा। और बाकी जो ओल्ड सॉन्ग होते हैं उस पर लाइफ टाइम तक सर्च आता रहता है, व्यूज़ आता रहता है, रेवेन्यू बढ़ता रहता है, ठीक है। तो आपको कोशिश ये करना है कि आपको जो ओल्ड सॉन्ग अपलोड करना है। अब ओल्ड सॉन्ग कैसे अपलोड करना है? आपको मतलब किसी जो है सेलिब्रिटी का सॉन्ग अपलोड करना है, जैसे मान लो शाहरुख खान हो गया, सलमान खान हो गया, ठीक है, लता मंगेशकर का गाना हो गया, कुमार सानू, उदित नारायण, मतलब किसी एक का जो है आपको टारगेट करना है, ठीक है। अब एग्जांपल मान लो तुमने जो है मतलब सोचा कि मुझे जो है सलमान खान का मुझे जो है गाना बनाना है। अब उसके लिए आपको सर्च करना होगा सलमान खान सॉन्ग, ठीक है, मैं सर्च करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो सलमान खान सॉन्ग में सर्च करता हूँ, सलमान खान सॉन्ग्स, ठीक है, सर्च कर दिया। अब आपके सामने जो है सलमान खान का जो है सॉन्ग आ जाएगा। अब देखते रहिए, आपके सामने नीचे भी सॉन्ग आ गया, देखो नीचे सॉन्ग आया। अब इस बंदे ने जो है एक मतलब 4 महीने पहले अपलोड किया सलमान खान का सॉन्ग। अब इस पर व्यूज़ देखो 2.3 मिलियन व्यूज़, 1 घंटे का ये वीडियो है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको ऐसे कोई वीडियो डाउनलोड कर लेना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि वो सॉन्ग जो है लेटेस्ट नहीं होना चाहिए, ओल्ड होना चाहिए, क्योंकि भाई तभी आपका फ़ायदा होगा। तो ओल्ड जो है सॉन्ग को डाउनलोड कर लेना। अब कैसे डाउनलोड करना ये तो आपको मालूमगा, यूट्यूब पे इसको नहीं बता सकते, आप सॉन्ग को डाउनलोड कर लेना। अब डाउनलोड करने का प्रोसेस मैं आपको मतलब कैसे करना है वो आप जानते होंगे, या यूट्यूब पर देख लेना दूसरा वीडियो, आप डाउनलोड कर लेना। अब उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। अब सो गाइस, आपने जो है सॉन्ग को डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब सॉन्ग को वीडियो बनाने के लिए आपको चाहिए एक पोस्टर। अब पोस्टर बनाने के लिए आपको आना होगा इमेज सर्च मैन पे, या आप गूगल पे भी जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे सर्च करना है सलमान खान ओल्ड फोटो, ठीक है, सलमान खान ओल्ड फोटो, ओल्ड फोटो मैंने सर्च कर दिया। आप भी जिस पे बनाना चाहते हैं, कुमार सानू जिस पे बनाना चाहते हैं, उसको जो है यहाँ पे लिख के फोटो उसका डाउनलोड कर लेना, ठीक है। देखो मैं सलमान खान का फोटो मुझे मिल गया, अब इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब देखो फोटो भी हमारे पास आ चुका है, अब हमको चाहिए वीडियो बनाना है। अब वीडियो बनाने के लिए आपको आना होगा काइन मास्टर के अंदर, तो चलो काइन मास्टर के अंदर चलते हैं। तो काइन मास्टर मैंने ओपन कर लिया, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे करना, ठीक है, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो मैं काइन मास्टर के अंदर आ गया हूँ, अब आपको प्लस पे क्लिक कर देना। प्लस पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, तो आपके सामने प्रोजेक्ट आ जाएगा। तो आप जो पिक्चर डाउनलोड किए थे गूगल से उसको क्लिक करके यहाँ पर ले आना, ठीक है। चलो मैं पिक्चर लेकर आता हूँ आपके सामने, तो ये पिक्चर है, मैंने पिक्चर ले आया, ठीक है। अब आपको पिक्चर क्या करना है ना, आपको पिक्चर का एक गाना बनाना है, एक गाना।
आपने वीडियो डाउनलोड किया था 1 घंटे की वीडियो को, तो 1 घंटे की वीडियो के अंदर उसमें 5-6 गाने होंगे, तो आपको एक एक गाना करके एक एक वीडियो बनाना है। ठीक है, समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मतलब एक एक मतलब 3-3, 4-4 मिनट का जो एक एक गाना रहेगा उसका आपको एक एक वीडियो बनाना है। तो इस फोटो को मैं पहले बड़ा कर लेता हूँ, जितना मिनट का एक गाना होगा, मैक्सिमम गाना जो 4 मिनट का होता है तो मैं इसे 4 मिनट तक बड़ा कर दूंगा फोटो को। ठीक है, ये देखो 4 मिनट तक हो चुका है फोटो, 4 मिनट तक हो चुका है। अब फोटो पे जो है इसको इस पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करने में फोटो को थोड़ा जूम कर लेना ताकि अच्छा लगे थोड़ा सा, ये हो गया। अब इस पर क्लिक करके इसको राइट कर देना। राइट करने के बाद आपको जो है सॉन्ग लेकर आना है, जो भी ओल्ड सॉन्ग है। तो सॉन्ग चलो मैं लेकर आता हूँ, म्यूज़िक में गया जो डाउनलोड किया था वो सॉन्ग लेकर आता हूँ, स्नैपट्यूब में डाउनलोड किया था मैं, तो सॉन्ग को जो है मैं लेकर आता हूँ। एक मिनट रुके रहो, हाँ ये सॉन्ग आ चुका है, हिंदी टॉप सॉन्ग। अब यहाँ पर आपको क्या कट करना है, एक गाने को कट करना है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे गाने हैं तो एक गाना यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आपको बाकी कट कर देना है। कट करने के लिए आपको इस पर नीचे आना होगा, स्प्लिट करने के स्प्लिट तो राइट क्लिक कर देना है। देखो गाना कट चुका है, अब इतना हो चुका है, आपको अपना फ़ोटो भी इतना यहाँ तक कट कर देना है। अब जो आपका जो गाने का नाम है, अब गाने का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब लिखने के लिए आपको टेक्स्ट पर जाना है, टेक्स्ट पर यहाँ पर जो गाने का नाम है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, चलो मैं लिख कर दिखाता हूँ, बिल्कुल आपके आपके सामने जो है ऐसे ही लिखना होगा। चलो मैं देखो लिख लिया, अब गाना का नाम आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये गाना आ चुका है। अब आपको अच्छा सा फॉन्ट वोट दे देना है इसमें, बढ़िया से मतलब अच्छे से एडिट करके जो यहाँ पे बढ़िया तरीके से जो है बनाना है वीडियो को, तभी लोग अच्छे से देखते हैं, अच्छे से सुनेंगे गाना। तो आपने अच्छे तरीके से बना लिया, अब इसको जो है आखिरी तक जो है मतलब जो टेक्स्ट आपने लिखा उसको आखिरी तक लगा देना। देखो लग चुका है, अब हमारी जो वीडियो रेडी हो चुकी है। अब ज़्यादा इसके अंदर ताम झाम रॉकेट साइंस के अंदर कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है, आप आराम से जो है कर सकते हैं। अभी देखो ये वीडियो रेडी हो गई, अब इसको आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको कोई कॉपीराइट का कोई पंगा नहीं होगा, अगर कॉपीराइट आएगा तो आपको रेवेन्यू मिलेगा, क्योंकि ये सब सॉन्ग जो होते हैं ना वो ऑफिशियली यूट्यूब पर अपलोड नहीं होते हैं, क्योंकि ये ओल्ड सॉन्ग होता है तब तक जब यूट्यूब पर अभी तक आया भी नहीं होता है, तो ये इस पर कॉपीराइट आने का चांस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि यूट्यूब पर मतलब अपलोड ही नहीं हुआ ऑफिशियल तरीके से, जो भी अपलोड हुआ है वो किसी बंदे ने किसी ऐसे लोगों ने अपलोड किया हुआ है, तो आपको कॉपीराइट आने का कोई पंगा नहीं, ना क्लेम आएगा ना कुछ आएगा। अगर हो गया तो आ जाएगा, तो जिससे आपकी अर्निंग कम नहीं होगी, अर्निंग आपकी 50% आपको अर्निंग मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कॉपीराइट का पंगा क्या है, अगर किसी कंपनी ने क्लेम दिया है तब आपको जो है पूरा रेवेन्यू कंपनी को मिलेगा, अगर यूट्यूब ने क्लेम दिया है तो आपको 50% आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब वीडियो रेडी होगा, आप इसको एक्सपोर्ट कर लेना। अब एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे आना होगा, एक्सपोर्ट पे क्लिक दबाओगे एक्सपोर्ट हो जाएगी वीडियो। ठीक है, अब एक्सपोर्ट हो जाएगी तो वहाँ से आपको यूट्यूब पर अपलोड कर देना है। अब जैसे ही आप अपने यूट्यूब पर वीडियो को अपलोड करोगे तो आपका वीडियो थंबनेल जो है टाइटल लगाने के लिए आपको आना होगा, यूट्यूब पर ही आना होगा टाइटल लगाने के लिए। टाइटल लगाने कैसे टाइटल लगाएंगे, टाइटल को जो है आपको सलमान खान का जो है सॉन्ग सर्च कर लेना है। अब जो भी इस वीडियो का टाइटल होगा आपको कॉपी करना है, अपने मन से टाइटल नहीं लिखना है। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे लिखा हो, देखो बेस्ट सलमान खान सॉन्ग सुपर हिट बॉलीवुड हिंदी सॉन्ग मूवी, मतलब जो भी यहाँ पे लिखा होगा आप पूरा कॉपी करके अपने वीडियो का टाइटल में लिख देना है और उसे सक्सेसफुल अपलोड कर देना है, जिससे भाई आप भी फ़ायदा होगा और आपका पैसे ही बनेगा तो आपका फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करो और चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।